हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखते हैं एक फाउंटेन टॉय बनाना, एनिमल बनाना। ठीक है, आप लोग मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग मैंने ग्रे कलर का शुगर पेस्ट ले लिया है। इसे मैं थोड़ा सा शुगर पेस्ट लूँगा हाथ में और अच्छे से रोल करूँगा स्ट्रेट वे में। ठीक है, आप लोग देखिए, थोड़ा सा डोम करके स्ट्रेट वे में मैं इसे रोल किया हूँ। अब मैं थोड़ा सा हिस्सा काट लूँगा ताकि बहुत बड़ा नहीं दिखना चाहिए। आपका एनिमल छोटा बनाएंगे तो अच्छा लुक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका बॉडी का लुक बना लिया है। अभी यहाँ पर मैं इसके हाथ और पैर बनाऊँगा। ठीक है, आप लोग देखिए मैं यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप कैसे बनाता हूँ। ये मैं इसके हाथ के लिए कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम लोग हाथ बना लेंगे। आप लोग देखिए मैं कैसे यहाँ पर इसे हाथ की हेल्प से मैं इसका एक शेप ला रहा हूँ, यानी कि पैर जैसा बनने के लिए एक शेप लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा बारीक कर लूँगा, छोटा कर लूँगा, और नीचे से थोड़ा मोटा रखूँगा ताकि ये एक पैर जैसा दिखे। देख रहे हैं आप लोग कैसा बन रहा है ये। अब मैं नाइफ़ की हेल्प से इसे थोड़ा सा एक लुक दूंगा, जैसे फिंगर्स होते हैं ना, आपका पैर का फिंगर्स होते हैं वैसा वाला लुक आने के लिए नाइफ़ से थोड़ा सा लुक ला लूँगा। अभी ये मैं सेकेंड वाला पैर भी बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसको भी मैं ऐसे ही बनाऊँगा सेम। ठीक है, ऊपर से थोड़ा इसे पतला सा करूँगा और ये मेरा बन गया है। मैं इसे भी पेस्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं इसके पैर के लिए बनाऊँगा, मैं वही सेम ग्रे कलर का शुगर पेस्ट ले लिया हूँ। इसे मैं इक्वली कट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं पैर जैसा लुक लेके आऊँगा, इसे थोड़ा हाथ से मोड़ करके। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर कैसे बना रहा हूँ। ये फाउंटेन टॉय है, ईटेबल टॉय है शुगर पेस्ट का। आप लोग देख सकते हैं, इसे भी मैं सेम ही बनाऊँगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे कैसे बेंड कर रहा हूँ, कैसे शेप में लेके आ रहा हूँ, मतलब फिंगर्स की हेल्प से मैं कैसे शेप में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मोटा रखूँगा और पीछे से मैं थोड़ा पतला कर दूंगा ताकि साइड में इसका अच्छे से लुक आए। यहाँ पर जब मैं लगाऊंगा, इसका बॉडी को अटैच करूंगा, तब ये अच्छे से लुक आए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैसे फिर इसे वाटर लगाया हूँ, मैं यहाँ पर स्टिक किया हूँ। अब मैं इसके पैर को भी ज्वाइंट कर दिया हूँ। ठीक है, ये तो हाथ भी हो गए, ये दो पैर भी हो गए अभी हमारे एलिफेंट के। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैं इसका हेड बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सेम शुगर पेस्ट लिया है, इसे मैं रोल करूँगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैसे रोल कर रहा हूँ और कैसे इसका फेस लेके आऊँगा। ठीक है, देखते जाइए आप लोग, इसका जो सूंड होगा वो सूंड भी बनेगा और इसका फेस आएगा पूरा, मतलब। ठीक है, एक अच्छा फिनिशिंग में, एक अच्छे लुक में लाने के लिए थोड़ा सा मैं इसे हाथ से अच्छे से फिनिशिंग में लाते जाऊँगा। आप लोग देखिए स्टेप बाई स्टेप। तो ये मेरा फिनिशिंग में आने के बाद मैं यहाँ पर से थोड़ा सा मार्किंग कर लूँगा नाइफ़ की हेल्प से, ताकि एक और अच्छा ब्यूटीफुल सा लुक आए इसके ऊपर, एलिफेंट के ऊपर। ठीक है, एलिफेंट का जो सूंड होता है ना, वहाँ पर एक टूथपिक की हेल्प से मैं यहाँ पर मैंने इसके नोज़ल्स बनाए हैं, यानी कि नोज़ के जो नोज़ल्स होते हैं, नाक होती है ना वो वाले। ठीक है, तो यही टूथपिक मैं लगा के टूथपिक की हेल्प से अब हेड टॉप पर रख दिया हूँ मैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप लोग कंटिन्यू। अभी यहाँ पर मैं इसका ईयर बनाऊंगा, तो थोड़ा सा मैं इसे रोल कर लूँगा। अभी यहाँ पर राउंड कटर की हेल्प से मैं यहाँ पर कट कर चुका हूँ इसे। तो इसे 1/2, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, अदरवाइज आप एक हार्ट शेप कटर आता है ना आपका, हार्ट शेप कटर की हेल्प से भी आप वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं ये हाथ से बनाने में मेरे को अच्छा दिखता है, इसके हाथ से बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा सा थोड़ा कर दूंगा मैं, थोड़ा प्रेस प्रेस करके करूँगा, तो एक एलिफेंट का ईयर जैसा, अच्छा बड़ा ईयर जैसा आपको यहाँ पर भी एक लुक आ जाएगा। ठीक है, हाथ से भी बना सकते हैं यहाँ पर। आप लोग देखिए मैं हाथ से कैसा बना रहा हूँ, कटर से तो ईजी बन जाएगा आपको। तो ये भी मैं यहाँ पर हेड के इसके राइट साइड में लगा दिया हूँ और एक एक लेफ्ट साइड में मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो वाह, ब्यूटीफुल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक एलिफेंट का ईयर्स भी हमारा बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर बनाएंगे हम लोग इसका आइस। तो वाइट शुगर पेस्ट मैंने थोड़ा सा लिया है, इसे इक्वली कट करूँगा। ठीक है, ताकि छोटा बड़ा ना हो। तो मोस्टली होता क्या है, हम लोग अंदाजे से लेते हैं जब हाथ से, तो छोटा बड़ा हो जाएगा। अंदाजे से मैंने एक बार लिया है, फिर इसे कट किया है, तो छोटा बड़ा नहीं होगा अभी। ठीक है, एक टूल की हेल्प से मैं थोड़ा सा आइस लाने के लिए थोड़ा सा डोम कर दूंगा, ताकि ये वाइट अंदर जाएगा तो अच्छे से सेट होगा। अभी वाटर पेस्ट किया हूँ मैं यहाँ पर, अभी ये वाइट वाले जो बनाए थे मैंने इसकी आँखों में लगा दिए हैं। ठीक है, वही टूल की हेल्प से मैं यहाँ पर इसे भी थोड़ा सा प्रेस करूँगा, ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगा, थोड़ा सा प्रेस करूँगा,
ताकि ये अच्छे से लुक आए, आइस जैसा दिखे। आपके पास अगर ईटेबल मार्कर होगा तो आप मार्कर से भी इसे ब्लैक वाला आई बना सकते हो, या अदरवाइज शुगर पेस्ट भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इसका टेल बना रहा हूँ, दुम बना रहा हूँ, छोटा सा मैं एक दुम बना के पीछे से लगाऊंगा तो अच्छा सा लुक आएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर भी मैं कोई भी चीज़ स्टिक करना होगा तो मैं वाटर की हेल्प करूँगा, हेल्प लूँगा। ठीक है, वाटर की हेल्प से मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर ये एलिफेंट का जो लेग होता है ना, पैर, वहाँ पर भी मैं इसे थोड़ा सा वाइट वाला पेस्ट कर दूँगा तो एक अच्छा सा लुक आएगा, डिसेंट सा लुक आएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा आप राउंड में फोल्डिंग करके इसे प्रेस कर दो, यहाँ पर आप एक अच्छा लुक आया है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा एलिफेंट बन गया है। अभी यहाँ पर टॉप में थोड़ा सा बाल लगाएं, देखेंगे हम लोग इसे छोटा सा एक, मतलब छोटी छोटी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे तो अच्छा लुक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए मैं यहाँ पर ये भी कैसे लगाता हूँ, एक छोटा सा यानी कि छोटे से बाल, टॉय वाला है ना ये, हमारा टॉय है फाउंटेन का, केक टॉपर टॉय है, तो आप यहाँ पर बना सकते हो इसे एक अच्छे से ब्यूटीफुल लुक में। सो फ्रेंड्स, आप लोग को आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, ऐसे कई सारे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कई सारे बताऊंगा ऐसे भी टॉय बनाना या फिर केक्स बनाना। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।